कहीं आपने उस महान विभूति को भुला तो नहीं दिया जिन्होंने 2 अक्टूबर को भारत में जन्म लिया था? गांधी जी, शास्त्री जी, या फिर कोई और? वो महान क्रांतिकारी विभूति थे मसूरियादीन पासी, जिन्होंने पासी समाज के ढलते हुए सूरज को एक नया सवेरा दिया, जिन्होंने पासी समाज को अंग्रेजों के दिए कलंक से मुक्त कराकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में एक अहम भूमिका निभाई। चलिए एक नजर डालते हैं ऐसे महान व्यक्तित्व पर। साथियों, माननीय बापू मसूरियादीन पासी का जन्म 2 अक्टूबर 1911 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनके इतने अहम योगदान के बावजूद भी भारत के जातिवादी और पक्षपाती इतिहासकारों ने उन्हें भारतीय इतिहास में वो जगह नहीं दी जिसके कि वो हकदार थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मसूरियादीन ने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था और करीब 9 वर्षों तक जेल में रहे। संघर्ष के दौरान नेहरू जी के साथ कई बार जेल गए। आजादी के बाद 1951 में प्रथम लोकसभा फूलपुर से सांसद रहे। 1952 से लेकर 1967 तक संसद सदस्य रहे। महाशय मसूरियादीन पासी समाज को अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जरायम पेशा एक्ट को खत्म कराकर एक नया जीवन दान दिया। अखिल भारतीय पासी महासभा के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने विभिन्न कुरीतियों से जकड़े पासी समाज को मुक्त कराने के लिए संगठित आंदोलन चलाया। आज पासी समाज में जो समृद्धि थोड़ी बहुत दिखाई देती है उसमें बापूजी के खून और पसीना भी शामिल है। लेकिन बापूजी के बाद की जो पीढ़ी है वो केवल राजनीतिक लाभ लेने तक ही सीमित हो गई है। खास तौर पर मसूरियादीन पासी जी ने पासी जाति पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जरायम पेशा कानून को हटवाने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, तभी आज हम समाज से कंधा मिलाकर चल सकने के योग्य बन सके हैं। दरअसल ये जरायम पेशा कानून क्या है? साथियों, जरायम पेशा कानून यानी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, ये अंग्रेजों ने भारत के उन तमाम जातियों और जनजातियों पर लगाया था जिनसे भी बेहद परेशान हुए थे। यानी भारत पर राज करने के दौरान उन्हें पासी जातियों के वीरों से यानी पासी जाति से ही पूरा इतना ज्यादा खतरा पैदा हो गया था कि उन्हें अपने राज को खो देने का भय सताने लगा। उन्होंने एक साजिश रची और वो ये थी कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जिसे हम जरायम पेशा कानून कहते हैं, इसको अंग्रेज ने कुछ जातियों पर विशेषकर पासी जाति पर लागू कर दिया और इस कानून का दुरुपयोग उन तमाम जाति के लोगों के विरुद्ध किया जाने लगा जो उनके खिलाफ बगावत करते थे, उनके खिलाफ आंदोलन करते थे, उनका विरोध करते थे। यानी जो वीर बहादुर और लड़ाकू कौम थी उसे उन्होंने बदनाम करने के लिए इस एक्ट को लगाया था। उनके बहकावे तथा प्रलोभन में जो नहीं आते थे तथा स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे उनमें प्रमुखतः पासी जाति के लोग थे, जिसने काफी समय तक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और जरायम पेशा एक्ट का भार झेला और अपना मान सम्मान, जमीन जायदाद यानी अपनी सारी संपत्ति और मान सम्मान सब कुछ खो दिया। इस एक्ट के तहत क्रिमिनल ट्राइब्स में आने वाले जाति के परिवार के बच्चों को भी पुलिस नहीं छोड़ती थी और उन्हें हमेशा थाने में जाकर के तलब करना पड़ता था, बार बार उन्हें रिपोर्ट करनी पड़ती थी। यदि दलितों को 4 वर्णों पर आधारित जाति व्यवस्था के उच्चतर क्रम से उपजी हिंसा और बहिष्करण का शिकार होना पड़ा तो घुमंती जातियां यानी घुमंतू जातियां अंग्रेजी शासन का शिकार बना। दोस्तों, ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में पूरे देश में लगभग 200 के आसपास के समुदायों पर लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इन 200 जातियों में पासी जाति भी शामिल है जो सर्वोच्च स्थान पर है, यानी कि वे पासी जाति से विशेष रूप से भयभीत रहा करते थे। भारत के सामाजिक और विधिक क्षेत्र में घुमंतू समुदाय के लिए यह एक सामूहिक हादसा था। 1921 में क्रिमिनल एक्ट जो लगाया गया था उसका विस्तार किया और कई अन्य समुदाय इस कानून की जद में ले आए, यानी और भी कई समुदायों को, कई जातियों को इस कानून के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। जब देश को 1947 में आजादी मिली, भारत का संविधान बनाया गया और सबको बराबरी का हक मिला कि वो अपने मतों से अपने वोट डाल करके अपनी सरकार चुन सकते हैं, 1952 में उन समुदायों को विमुक्त समुदाय का दर्जा दिया गया।
जो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट के तहत अपराधी घोषित किए गए थे। यह एक प्रकार से यह बताना था कि अमुक समुदाय अब अपराधी नहीं रह गए। ये आजादी के बाद और यह कानून की विडंबना थी साथियों कि उन्हें एक पहचान से मुक्त कर दूसरी कम अपमानजनक पहचान से नवाज दिया गया। यानी विमुक्त जाति भी एक प्रकार से उस क्रम में नहीं आती थी, उस समुदाय में नहीं आती थी जो कि सम्मान पाने का हकदार था। 1959 यानी 1959 में हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट ने पुलिस का ध्यान फिर उन्हीं समुदायों की ओर मोड़ दिया जो अब विमुक्त थे। यह सब आजाद भारत में हो रहा था। साथियों अहिंसा के बल पर अंग्रेजों के शासन से भारत देश को स्वतंत्र कराकर हम सभी को स्वतंत्र भारत का अनमोल उपहार देने वाले महापुरुष महात्मा गांधी को राष्ट्र ने राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया। वहीं जय जवान जय किसान का नारा देकर भारत के दो आधार स्तंभ को महान कहने वाले महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र को विश्व पटल पर उच्च कोटि की पहचान दिलाई। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के विषय में अधिकतर सभी लोग जानते हैं, परंतु स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले पासी समुदाय में जन्मे बापू मसूरिया दीन पासी जी को नई पीढ़ी आज तक भली भांति नहीं पहचानती और ना ही जानती। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मसूरिया दीन पासी जी ने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था और करीब 9 वर्षों तक जेल में रहे। आजादी के बाद 1951 में प्रथम लोकसभा के फूलपुर से सांसद रहे। संघर्ष के दौरान नेहरू जी के साथ कई बार जेल भी गए। खासतौर पर महाशय जी ने पासी जाति पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जरायम पेशा एक्ट को हटवाने में एक अहम भूमिका निभाई। यानी यूं कह लीजिए कि जो जरायम पेशा एक्ट हमारी पासी जाति पर लगा था वो उन्हीं की कोशिशों से हटाया गया और आज हम स्वतंत्र हैं। भारत के सभी नागरिकों के साथ जैसा व्यवहार होता है कानूनी रूप से वैसे ही हम उसके हकदार बन चुके हैं। साथियों खास बातें हैं कि 2 अक्टूबर के ही दिन भारत में 3 महापुरुषों ने जन्म लिया था, मगर अफसोस इस बात का है कि 2 महापुरुषों के साथ साथ तीसरे महापुरुष को उतनी अच्छी तरह से लोग ना तो जानते हैं और ना ही पहचानते हैं। और वे तीसरे महापुरुष थे बापू मसूरिया दीन पासी, जिनका जन्म भारत में 1911 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों ऐसे थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विशेषकर हमारे पासी जाति के लिए, पासी जाति के हित में जिन्होंने जो कार्य किया है वो अविस्मरणीय है, कभी ना भूलने वाला है। हम ऐसे महान शख्सियत को तहे दिल से याद करते हैं, करते रहेंगे और उन्हें सत सत नमन करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और मैं चाहता हूं दोस्तों कि हमें अपने अंदर आशा के दीप को जलाकर रखना है और निरंतर अपने समाज की प्रगति और उन्नति के लिए कार्य करते रहना है। दोस्तों आपसे विदा चाहूंगा इन शब्दों के साथ कि आशा चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो पर निराशा से तो बेहतर ही होती है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।